सो गाइस फिलहाल का अपडेट ये है कि आप देख सकते हो कि पूरा जो पैनल है ना वो स्मूथ कर दिया मैंने साइड का, और उस तरफ का ही बता देता आपको। तो दो तीन दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि गाड़ी के पार्ट्स नहीं आ रहे, और जैसे आप लोग को बताओ कि जो टेल पैनल है मैंने एक मंथ पहले ऑर्डर कर दिया था कि जब भी चेहरेगा अर्जेंटली आ जाएगा, पर आ नहीं रहा है टेल पैनल। उसके वजह से क्या हो रहा है कि अब मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सामान नहीं है तो कहाँ क्यों काम स्टार्ट करूँ, तो ऐसा करके आज मैं 5 दिन बाद जो है काम चालू किया। और इस तरफ का बैली आप लोग को मैं बता दिया उधर रखा हुआ है, और उस तरफ का बैली भी आप लोग को बता दिया, मतलब बैली का काम आज मैं कंप्लीट कर दूंगा और जो साइड पैनल है उसका भी काम जो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं अभी सब काटना है, क्योंकि हमने जो साइड पैनल बनाए उसमें वो कर्व है तो ये काटना पड़ेगा अपने को, और बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। और पूरा देख लो बाइक का लुक, पूरा धूल लग चुका है क्योंकि अभी मैं 4 दिन आउट ऑफ टाउन था, आज मैं घर पे आया हूँ, और पूरा यही अपडेट है बाइक का। सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मदर ब्लॉग्स। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस 2-4 दिन हो चुके और लास्ट टाइम जब से बाइक को छुआ तब से तो 1 हफ्ता ही हो चुका है, कोई अपडेट नहीं है बाइक में। आपको बता दो कहाँ तक अभी तक काम हो चुका है और कहाँ पेंडिंग है काम, तो अभी क्या करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या नहीं हुआ है, क्योंकि इतने दिनों में मैंने कुछ बाइक को छुआ तक नहीं है। हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस बाइक आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे रखी हुई है, और इतने दिनों में मैंने कुछ काम नहीं किया क्योंकि कुछ सामान आ ही नहीं रहे लिटरली। मैं पूरा मतलब देखो पैक ऑफ करके रख चुका हूँ, नहीं तो कितना गंदा होता था मेरा घर। तो अभी जो है टेल पैनल अभी तक बन नहीं रहे, बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो मैन्युफैक्चर हो नहीं रहे तो वो टेल पैनल नहीं आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं सारे पैनल्स नहीं बना रहा हूँ। और आप देख सकते हो बैली को मैंने फिनिशिंग दे दिया पूरा, मतलब ये वाला फिनिशिंग बोल सकते हो कि मतलब ये साइड की जो फिनिशिंग होती है वो दे दिया, अभी ऊपर का तो जो है वो मशीन से देना पड़ेगा, मतलब जो सैंडिंग करते हैं उससे ही, क्योंकि ये जो आप पैनल देख रहे हो ना इसको थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था तो इसको स्मूथ करने में मेरे को पूरा 1 दिन चले गया, तो ये पूरा स्मूथ हो गया है। और अभी का तो पूरा फिलहाल का लुक ये है बाइक का, और लाइट भी अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया। अभी ये लाइट के अंदर की जो है वो DRLs आने वाले, और अंदर जो है H4 का बल्ब लगता है इसमें, सॉरी H3 का बल्ब लगता है, H4 का नहीं लगता है, H7 और H3 लगता है, तो वो बल्ब भी मैंने ऑर्डर कर लिया क्योंकि वो नॉर्मल नहीं रहता, उसमें डबल पिन रहता है। आपको बता देता हूँ मैं, हम देख सकते हो 2 पिन वाला बल्ब है, सिंगल पिन वाला बल्ब नहीं है। तो यही पूरा सीन है अभी तक का बाइक का, कुछ काम नहीं हो रहा है। रही बात टैंक कवर की तो वो भी मैंने निकाल दिया क्योंकि मेरे को इसको थोड़ा सा पेंट करना था, वो नीचे की टाकी पर रस्ट लग गया था क्योंकि वो सिर्फ एक कवर है तो वो खाली ऊपर का ही ढकता है, मतलब ओरिजिनल टैंक जैसा काम नहीं करता है। आपको बता देता हूँ कि ये है वो टैंक कवर, और ये उसका कलर मैंने पूरा निकाल लिया, पहले आपने देखा होगा वीडियो में कि वो रेड कलर का था, पर अभी जो है पूरा कलर इसका निकाल लिया क्योंकि इस पर जो है ब्लैक होने वाला है, तो ये भी काम हो जाएगा फटफट। उनने साइड पैनल्स बनाया था जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो नया बनाया वो वाला है, और इससे पहले जो मैं बना था बोला था कि अभी भी ये फिनिशिंग नहीं दिया इसको मैंने, मतलब ये फाइनल नहीं है, इसके बाद भी कुछ चेंजेस करेंगे, तो चेंजेस वो भी मैंने कर लिए, और इसमें से बस मोल्ड में से निकालने का है। इस बार क्या किया ये थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया, और इधर भी थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन किया है, ये वाला हिस्सा देखोगे तो यहाँ से मैंने इसको काट दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर आ रहा था, ये सिंगल पीस नहीं लग रहा था, देख सकते हो यहाँ पे काटा हुआ रखा हुआ है। और छोटे छोटे काम यही सब किया है मैंने, और कुछ किया नहीं है, बाइक वॉश किए बस क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल लग चुकी थी उस पर, तो यही पूरा काम हुआ है अभी तक और कोई काम नहीं हुआ है। आई एम सॉरी फॉर डैट, थोड़ा सा डिले हो रहा है, मेरे को खुद को बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ का कि डिले कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, मेरे को लग रहा है कि दिवाली के बाद ही होगी जिस तरीके से सब काम चल रहा है, क्योंकि टैंक का तो चलो मान भी लेके टैंक कलर वलर ये सब का बैक पैनल, पर ये जो मेन क्या ये वाइज़र, ये वाइज़र देख रहे हो R3 का, ये अभी फ़िलहाल मार्केट में है ही नहीं, मैं पता करने गया था, इट्स आउट ऑफ स्टॉक, मतलब बहुत दिन लग जाएगा उसको भी आने के लिए, तो लेट्स होप के हो जाए क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्या है बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है काम। सो गाइस आपको बता दो कौन से साइड पैनल से मैंने चेंजेस किए, तो आप देख सकते हो अभी क्या ये पूरा वन पीस लगेगा, जैसे यहाँ पे मैं एक बोल्ट मार दूंगा ना तो यहाँ से इतना गैप नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक बोल्ट आएगा तो ये देख रहे हो आप इतना गैप नहीं लग रहा है, सेम लाइन लग रहा है, और इधर एक बोल्ट आएगा तो ये भी अंदर चले जाएगा, ये साइड वाला पार्ट देख रहे हो ना। और जो पुराना वाला था वो आपको बताता हूँ मैं, और गाइस इससे पहले वाला जो बनाया था वो ये है, डिज़ाइन में तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा है, पर ये आप ये गैप देख रहे हो, ये जो कर्व है ना ये अंदर तरफ था तो मैंने उसको जस्ट स्ट्रेट कर दिया, तो ये जो गैप है ना क्योंकि यहाँ पे मैं बोल्ट भी मारूंगा ना तो मुझे एक बोल्ट इधर भी मारना पड़ेगा, और ये इधर बोल्ट मारने के लिए इधर कहीं जगह नहीं है तो यही एक बोल्ट मारने की जगह है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो गाइस यही था आज का एक शॉर्ट सा वीडियो, और आप लोग में से जो जो पूछ रहे थे मुझे पर्सनली DMs करके कि बाइक की क्या अपडेट है, बाइक की क्या अपडेट है, तो आप लोग ने देख लिया बाइक की कोई अपडेट नहीं है, कोई सामान आ नहीं रहा है, क्योंकि पिछले बार जब मैं ब्लॉग डाला था ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे का भी प्लान था पर हुआ नहीं, क्योंकि शेड्यूल ऐसा था कि एक दिन छोड़ के एक दिन सारे सामान आने वाले थे,
पर कोई सामान आए नहीं और सब डिले हो गया, मतलब जो डिलीवरी का डेट था सब पोस्टपोन्ड हो गया अगले हफ्ते के लिए। तो ये हफ्ते भी मतलब सोच लो कि एक दो ब्लॉग ही आएंगे और यही पूरा सा अपडेट है। ये बहुत मतलब हार्श टाइम चल रहा है मेरे चैनल के लिए, तो ये टाइम पे मुझे आप लोग की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे तक जो 18th of December है मेरे को जो 10,000 सब्सक्राइबर तक होने चाहिए। तो ये सब सिर्फ आपके मदद से ही हो सकता है, यानी आपके सपोर्ट से ही। तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दो। करते इस वीडियो को, मिलते अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, वेयर हेलमेट, पीस आउट।